नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा तरीन खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंचती रहे। यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से संभावित चेहरे यशवंत सिन्हा समेत लिस्ट में कई नेता शामिल। सीटों के अनुपात के अनुसार योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 60 हो सकती है। योगी मंत्रिमंडल में 43 मंत्री शामिल है जिसमें से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे चुका है, लेकिन इसी महीने कभी भी योगी सरकार में फेरबदल हो सकता है। बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी का है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीती रात मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। वे योगी आदित्यनाथ के सरकार में स्वतंत्र प्रभार के परिवहन राज्य मंत्री थे। एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले को मानते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान के राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य चुने गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बने हैं। रविवार शाम चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी अब देश के समाज सुधारकों में जोड़ दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ट्रिपल तलाक जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अब राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों की लिस्ट में जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समाज सुधारकों के तौर पर देश के परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण को देश की राजनीति से खत्म करने का काम किया है। यूपी में सभी नाव का होगा रजिस्ट्रेशन, चढ़ाया जाएगा हल्का पीला रंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाव दुर्घटना को रोकथाम के लिए चौंकाने वाला कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में सभी नाव को हल्के पीले रंग से रंग दिया जाएगा, उन्हें एक संख्या में आवंटित कर दिया जाएगा। राज्य की बढ़ती नाव दुर्घटना को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नाविकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। कश्मीर को लेकर के अमित शाह ने डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। घाटी में खुले स्कूल, कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार और केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात पर चर्चा हुई है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले के बाद डोभाल कई दिनों से घाटी में रुके और उन्हें हालात पर नजर बनाए रखी थी। कश्मीर के हालात पर सहला राशिद के दावों को सेना ने किया खारिज, सुप्रीम कोर्ट के वकील की गिरफ्तारी की मांग की। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता और जम्मू कश्मीर पीपुल मूवमेंट के नेता सहला राशिद कश्मीर के हालातों को लेकर के दावों को भारतीय सेना ने खारिज कर दिया है। भारतीय सेना ने कहा है कि सहला राशिद की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियादी है। इस तरह के फर्जी खबरें असामाजिक तत्वों और असंगठनों को तरफ से समाज को उकसाने के लिए फैलाई जा रही है। कश्मीर के हालातों को लेकर के सहला राशिद ने ट्वीट करके कहा था कि कश्मीर में हालात चिंताजनक है, सेना के जवान आम नागरिकों के घर में घुस रहे हैं और उन्हें उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों के जवान आधी रात को घरों में घुस करके उन्हें उठा रहे हैं और घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, फर्श पर जानबूझकर के राशन फैला रहे हैं और चावल के साथ तेल मिला रहे हैं। यूपी में कानून बनने के बाद 3 तलाक बिल में वृद्धि हुई है, 3 साल की सजा का प्रावधान है। 3 तलाक बिल को जुलाई में लोकसभा में तीसरी बार पेश किया गया है और इसे 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में पास किया गया है। आखिरी तीसरी कोशिश में 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में सरकार 3 तलाक बिल को पास कराने में सफल हुई है। सदन में 99 वोट बिल के पक्ष में पड़े और विपक्ष में 84 वोट पड़े थे। मोदी सरकार जल्द खत्म कर सकती है 2 बड़े टैक्स, मिलेगी बड़ी राहत। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कंपनियों की बड़ी राहत देने के लिए 2 बड़े टैक्स खत्म करने का फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी MAT और डिबेटेड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी DDT को हटाए जाने का फैसला सरकार ले सकती है। दरअसल सरकार को डायरेक्ट टैक्स में सुधार से जुड़ी रिपोर्ट 19 अगस्त को सौंप दी गई है। इसमें से कमाई पर दोहरे टैक्स का बोझ खत्म करने जैसी अहम सिफारिश इसमें शामिल है। सरकार इससे पहले GST लगा करके डायरेक्ट टैक्स सुधारकों पर पहले ही यह लागू कर चुकी है। आपको बता दें कि अगर DDT हटाया जाता है तो आम निवेशकों के लिए बड़ा फायदा मिलेगा। डायरेक्ट टैक्स में सुधार के लिए बने टास्क फोर्स वित्त मंत्री ने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जमुना खतरे के निशान के ऊपर, केजरीवाल बोले अगले 2 दिन 24 घंटे हालात पर नजर रखेंगे। हरियाणा के हथिनी कुंज बैराज से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जमुना नदी का जलस्तर सोमवार को 204 मीटर से चेतावनी के निशान से पार कर गया है और 205 मीटर के खतरे के निशान को पार करने में कगार पर पहुंच गया है, जिसके कारण प्रशासन को दिल्ली में पूर्वी विंग को जोड़ने वाले एक पुल पर यातायात बंद करना पड़ा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। बीजेपी JDU ने किया लालू की पार्टी पतन, कहा RJD का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं तेजस्वी यादव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बैठकों से गैर मौजूद है, मानसून सत्र में भी उनकी मौजूदगी कम देखी गई है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी राष्ट्रीय जनता दल को परेशानी कर रही है। और दूसरी तरफ वही सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के RJD के 4 हिस्सों में बंटने की आशंका जाहिर की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने RJD के नेतृत्वहीन पार्टी करार दिया है। शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल की एक अहम बैठक होनी थी, बैठक में
तेजस्वी यादव को शामिल होना था, लिहाजा आरजेडी ने उत्साहीन कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि आर्टिकल 370 के मुद्दे पर राहुल गांधी कुछ बोलेंगे। चौहान ने कहा है कि कांग्रेस टूट रही है, राहुल और सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा है। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस पार्टी के विचार स्पष्ट करने चाहिए। हम राहुल गांधी को बोलने की उम्मीद नहीं करते हैं, राहुल गांधी तो रणछोड़ दास बन चुके हैं। अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को मजबूत करना उनका काम था, लेकिन उन्होंने बाहर का विकल्प चुना है। महाराष्ट्र बाढ़ में सीएम रिलीफ फंड में रिलायंस ने दिए 5 करोड़ रुपए, अमिताभ बच्चन ने दिए 51 लाख रुपए का दान। महाराष्ट्र में बाढ़ की तबाही के बाद कई हस्तियों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। महानायक अमिताभ बच्चन, रिलायंस इंडस्ट्री ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में लाखों रुपए दान दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमिताभ बच्चन ने 51 लाख रुपए का दान दिया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। व्हाट्सएप के बीटा वर्जन को मिला फिंगरप्रिंट लॉक सपोर्ट, फेसबुक का नाम भी जुड़ गया है। दुनिया के नामी कंपनियों में से एक फेसबुक ने व्हाट्सएप के पिछले दिनों बड़े बदलाव करने की घोषणा की है। फेसबुक ने जिन बदलाव का ऐलान किया है उनमें से कुछ बीटा वर्जन के अपडेट दिखाई देने लगे हैं। बीटा वर्जन कंपनियों के नए फीचर को टेस्ट करने के लिए लॉन्च कर रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि व्हाट्सएप को फिंगरप्रिंट लॉक का सपोर्ट मिल गया है और इसके साथ ही ऐप की सेटिंग में व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक का टैग भी जुड़ गया है। अपडेट के बाद बीटा ऐप की सेटिंग ओपन करने पर सबसे नीचे व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक लिखा दिखाई देगा। कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ा यह बदलाव करने की बात कही थी। जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक आज, ये चीजें हो सकती हैं सस्ती। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 37वीं बैठक 20 अगस्त को गोवा में होगी। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा देने पर चर्चा और संभावनाएं हो सकती है। कुछ कैटेगरी को ऑटोमोबाइल पर जीएसटी दर पर कटौती की संभावना जताई जा रही है। जुलाई माह में ऑटो सेक्टर में भी पिछले 19 सालों में सबसे अधिक मंदी देखने को मिली है। दुपहिया हो या फिर पैसेंजर कार, इसका उत्पादन और बिक्री दोनों का ग्राफ नीचे गिर गया है। कुछ ऑटोमोबाइल पर मौजूदा 28% जीएसटी दर को कम करने के लिए भी सेक्टर ने मांग की थी। आपको बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग, गैर बैंकिंग कंपनियां, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, फॉरेन पोर्टफोलियो इंटरप्राइजेस और इस्पात और रियल एस्टेट समेत कई अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उनकी समस्याएं सुनी थी। इमरान सरकार ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान में कहा है कि कमर जावेद बाजवा को वर्तमान कार्यकाल पूरा होने की तारीख से अगले 3 साल के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। यह फैसला क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब वे 2022 तक पद पर बने रहेंगे। बाजवा को नवाज शरीफ सरकार के कार्यकाल में 29 नवंबर 2016 को सेना प्रमुख के लिए नियुक्त किया गया था। बाजवा के पास कश्मीर और देश के उत्तरी क्षेत्रों के मुद्दे पर निपटने के लिए खास अनुभव है। यही वजह है कि इमरान सरकार ने भी बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाया है। तेलंगाना में टीडीपी के 60 नेता और हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। चंद्रबाबू नायडू को आज बड़ा झटका लग गया है। उनकी पार्टी तेलुगु देशम ने करीबन 60 नेता और हजारों कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें से राज्य और जिला स्तर के कई नेता शामिल हैं। इसमें से बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यहां पार्टी ज्वाइन की है। इस मौके पर कुछ दिन पहले ही टीडीपी छोड़कर के बीजेपी में शामिल होने वाले लंका दिनकर ने कहा है कि जहां तक तेलंगाना यूनिट का सवाल है, ये काफी अच्छी संकेत है, यह आंध्र प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। लंका दिनकर ने कहा है कि हजारों की संख्या में जिला स्तर के नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। करीबन 20,000 कार्यकर्ता ने टीडीपी छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह सबूत है। 3 तलाक और अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद कई और भी नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। पहली वीकेंड पर बटला हाउस ने कमाए 48 करोड़। मिशन मंगल के आगे नहीं टिक पाए जॉन इब्राहिम की फिल्म। जॉन इब्राहिम और मृणाल ठाकुर स्टार फिल्म बटला हाउस की सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की मिशन मंगल से कई टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म की कमाई इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अक्षय कुमार और विद्या बालन की जोड़ी आगे जॉन इब्राहिम नहीं टिक पाई है। हालांकि बटला हाउस ने रविवार को 12 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है, लेकिन मिशन मंगल से यह काफी पीछे रह गई है। अक्षय कुमार की फिल्म रविवार को 27.54 करोड़ की रिकॉर्ड की कमाई की है। आज सुबह चंद्रयान 2 और इसरो वैज्ञानिकों की होगी कड़ी परीक्षा, पहुंचेगा चांद की कक्षा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी कि मंगलवार को चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच चंद्रयान 2 को कड़ी परीक्षा देनी होगी। इसके लिए इसरो वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी कर ली है। 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से रॉकेट बाहुबली के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। इससे पहले 14 अगस्त को चंद्रयान 2 को ट्रान लूनर ऑर्बिट में डाला गया था, यानी वह लंबी कक्षा जिसमें से चलकर के चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में पहुंच रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया कमाल, बनाए 1,55,00,000 सदस्य। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 1,55,00,000 सदस्य बना चुके हैं, जिसमें से 54,00,000 सदस्य नए हैं।